हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप ठीक होंगे। हम लोग मशीन डिज़ाइन में जॉइंट्स पढ़ रहे थे और जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, तो आज हम उससे आगे का देखेंगे, यानी कि रिवेटेड जॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवेटेड जॉइंट बेसिकली दो प्लेट को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जिन्हें हमें जोड़ना होता है उन्हें हम रखते हैं साइड में और उसके अंदर एक हॉल करके रिवेटेड डाल देते हैं, और इससे हमें रिवेटेड जॉइंट मिल जाता है। रिवेट तीन पार्ट में डिवाइड होता है, सबसे ऊपर हेड, बीच में जो बॉडी होती है उसे सैंक कहते हैं, और नीचे टेल। और ये अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब अगर हम ये देखें कि आखिर इन्हें कैसे डाला जाता है दो प्लेट में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जिन पार्ट को हमें जॉइंट करना है रिवेट से, उनमें हम एक हॉल कर लेते हैं और उसके बाद उसमें रिवेट डाल देते हैं। रिवेट के दो हेड होते हैं, एक प्राइमरी हेड और एक सेकेंडरी हेड। सेकेंडरी हेड हमें खुद बनाना होता है और प्राइमरी हेड हमें रिवेट में प्रोवाइड किया जाता है। हम जब प्राइमरी हेड की हेल्प से रिवेट को उस पार्ट में डालते हैं तो रिवेट की टेल बाहर रह जाती है उस पार्ट के, तो उस टेल को भी हम उसके हेड में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर से कोई डाई या कुछ हथौड़ा मारते हैं और उस सेकेंड हैंड को बना लेते हैं। तो ये जो हमने सेकेंड दूसरा हेड बनाया है डाई की हेल्प से या हथौड़े मार के, जिस भी चीज़ की हेल्प से हमने उसे बनाया है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी हेड, और जो हमें प्रोवाइडेड था उसे हम कहते हैं प्राइमरी हेड। तो इस तरह से एक रिवेट में दो हेड होते हैं, प्राइमरी हेड एंड सेकेंडरी हेड। तो ये होते हैं रिवेटेड के हेड। अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें या टाइप्स की बात करें कि रिवेटेड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो ये दो टाइप्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले होती है आकृति के आधार पर, यानी कि उसकी शेप कैसी होगी उसके बेस पे। तो ये होती है ठोस यानी कि सॉलिड, खोखली यानी कि हॉलो, और द्विशायिकित यानी कि बिफर्केटेड। जो ठोस होती है यानी कि सॉलिड रिवेट्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे देखते हैं। सॉलिड रिवेट में पूरी बॉडी उनकी क्या सॉलिड होती है। हॉलो रिवेट में इनकी जो बॉडी होती है यानी कि जो सैंक होता है वो हॉलो होता है, जबकि हेड सॉलिड ही रहता है। ये होते हैं हमारे हॉलो रिवेट। और अगर हम बिफर्केटेड की बात करें तो इसमें रिवेट की जो बॉडी होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, यानी कि इससे अगर हम नीचे से देखें तो ये एज अ वी दिखता है हमें, जिसे हम कहते हैं बिफर्केट। नेक्स्ट स्टेप में आता है रिवेट हेड की आकृति के आधार पर, यानी कि रिवेट की हेड कैसी है उसकी शेप के बेस पे इसे टाइप में डिवाइड किया गया है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रही हूँ, इसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे फ्लैट, काउंटर सेंक फ्लैट, काउंटर सेंक राउंड, बटन, हाई बटन, पैन, स्मॉल रिवेट, थ्रस, कोन, टिनर, कॉपर्स बेल्ट, स्टेपल। ये कुछ हेड होते हैं, यानी कि रिवेट कौन कौन से टाइप्स के हेड में हमें मिल जाता है मार्केट में, वो मैंने आपको बताए। जब आपको एग्ज़ाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 5 या 6 से याद करके ही उन्हें वहाँ पर लिख सकते हैं या उन्हें वहाँ पर बना कर भी आ सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। तो टाइप्स में आपको ये याद रखने हैं कुछ ऐसे ऐसे हेड्स के हमारे रिवेट होते हैं। अब हम अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें कि रिवेट्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है जोड़ने के आधार पर, यानी कि इसे कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के आधार पर हमारे रिवेट्स को 2 पार्ट डिवाइड किया जाता है, लैप जॉइंट एंड बंट जॉइंट। लैप जॉइंट में दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और उसमें हॉल बना के रिवेट डाल देते हैं और इसका सेकेंडरी हेड बना देते हैं, जिससे हमें हमारा लैप जॉइंट मिल जाता है। और बंट जॉइंट के केस में दो प्लेटों को लेते हैं और उनके सिरों को यानी कि उनकी मोटाई से लेके उन दोनों के सिरे जोड़ देते हैं और उन दोनों सिरों के ऊपर एक प्लेट और रखते हैं और फिर उन तीनों प्लेटों को यानी जो हमारे तीनों पार्ट हैं उन्हें रिवेट से जोड़ देते हैं। और जो हम ऊपर प्लेट रखते हैं उसे हम प्लेट नहीं कवर प्लेट कहते हैं। तो कवर प्लेट भी अलग अलग तरह की होती है कि आप कौन कौन से टाइप की या कितनी कवर प्लेट ले रहे हो। बट जॉइंट में अगर आप एक ले रहे हो तो सिंगल कवर प्लेट, दो ले रहे हो तो डबल कवर प्लेट। बट जॉइंट के भी टाइप्स होते हैं सिंगल और डबल में। नेक्स्ट आता है रिवेट के प्रबंध के आधार पे, यानी कि उन्हें कैसे लगाया गया है। तो
तो ये भी थ्री टाइप्स के होते हैं, चैन रिवेटेड जॉइंट, जिगजैग रिवेटेड जॉइंट एंड डायमंड रिवेटेड जॉइंट। चैन रिवेटेड जॉइंट में रिवेट्स को सीरीज में लगाया जाता है, यानी कि वो बैक टू बैक लगे होते हैं, कोई भी एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं, कोई भी इधर उधर नहीं होता। अगर आप उन्हें देखेंगे तो वो कॉलम्स में या फिर रोज में डिवाइड होते हैं, तो ये होते हैं चैन रिवेट। अब अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड होता है जिगजैग रिवेट। जिगजैग रिवेट में रिवेट्स को जिगजैग मोशन में लगाया जाता है, यानी कि आप अगर उन्हें उन रिवेट की जो पोजिशन है, अगर आप उन्हें एक लाइन से मिलाएं तो आपको एक जिगजैग लाइन देखने को मिलती है, तो ये होते हैं जिगजैग रिवेट। थर्ड आता है डायमंड रिवेट जॉइंट। डायमंड रिवेट जॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें हम डायमंड्स की शेप में उस रिवेट को लगाते हैं। इसमें भी अगर आप रिवेट्स को एक लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ आपको एक डायमंड शेप देखने को मिलेगी, जिसे हम इसलिए इसे हम कह देते हैं डायमंड रिवेटेड जॉइंट। देन आता है तीसरा रिवेट की पंक्तियों के आधार पर, यानी कि उसमें कितने कॉलम हैं। तो कॉलम के बेस पे भी ये थ्री टाइप्स में होती है, सिंगल रिवेटेड जॉइंट, डबल एंड ट्रिपल। यानी कि जिसमें सिंगल कॉलम होगा वो सिंगल, जिसमें डबल कॉलम होंगे वो डबल रिवेटेड जॉइंट, और जिसमें थ्री कॉलम होंगे वो ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट्स कहलाते हैं। तो ये होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेटेड जॉइंट। आई होप कि आपको रिवेटेड के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।